सन 1897 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भारतवर्ष का ज्ञान परचम लहराने के बाद स्वामी विवेकानंद यहां हुगली नदी किनारे बसे बज बज के फेरी घाट पर ही उतरे थे। आज बज बज में बंदरगाह के अलावा तेल कंपनियों के कई गोदाम हैं। यहां भी हुगली नदी में हो रहे प्रदूषण का मुख्य कारण शहर के अनट्रीटेड सीवेज का हुगली नदी में मिलना है। हुगली नदी की स्वच्छता के लिए यहां नमामि गंगे योजना के अंतर्गत एक एसटीपी का निर्माण किया जा रहा है और शहर में सीवेज नेटवर्क भी बिछाया जा रहा है। टोटल बज बज म्यूनिसिपलिटी में 132 किलोमीटर पाइपलाइन हम लोग कवर कर रहे हैं। अभी जो ये पानी जो ट्रीटमेंट होगा इसका बीओडी आ जाएगा 5 मिलीग्राम पर लीटर। ये पानी गंगा में जाएगा तो जो पॉल्यूशन हो रहा था वो बहुत कम हो जाएगा। नए मोक्ष धाम का निर्माण और घाटों को नया रूप देने का कार्य भी पूरा हो चुका है। बज बज शहर की प्रगति के लिए भविष्य में भी यहाँ हुगली नदी का निर्मल और अविरल बहना अति आवश्यक है।